क्या हुआ पंख जल गया पक्षी? त्वचा को कष्ट पहुंचा? इस कष्ट को अनुभव कर और सोच कि जिसकी एक सांस तेरी ये स्थिति कर सकती है उसे क्रोध आ गया तो तेरा क्या होगा? अभी भी समय है पक्षी, उड़ जा यहाँ से और अपनी जान बचा ले। मैंने प्रण लिया कि मेरी अंतिम सांस तक इस तपोभूमि की रक्षा करूंगा। तो फिर अब तू अंतिम सांस लेगा इसी क्षण। इसकी आसुरी शक्ति पत्थर भी जला सकती है। इस राक्षस की अग्नि से तापमान बढ़ रहा है, कहीं अदिति माँ की तपस्या भंग ना हो जाए। इसे बचाने के लिए तूने अपने हाथ जला दिए। अब फंस गया तू। अग्निमुख निष्ठुर है, अग्नि प्रकार है और चुनाव कठिन है। अब तू इस देव माता के प्राण बचाएगा या स्वयं के? परम पिता, मैं क्या करूं? यदि मैं अदिति माँ की रक्षा नहीं कर पाया तो माँ को अपना मुख कैसे दिखा पाऊंगा? और यदि मैं ही जीवित नहीं बचा तो फिर कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाऊंगा, उनके चरण छूकर आशीर्वाद नहीं ले पाऊंगा। तू कहाँ है गरुड़? माँ तेरी स्मृति में व्याकुल है, हर पल तेरा स्मरण करती है, तेरी प्रतीक्षा में आंखें द्वार पर लगाए बस देखती रहती है कि तू कब आएगा। अपनी माँ को और मत तरसा पुत्र, अब लौटा अपनी माँ के पास, लौटा। अब अंतिम बार जब उन्हें देखा था, वैकुंठ जाने के उद्देश्य का सत्य छुपाया था उनसे, वो उद्देश्य तो अधूरा ही रह जाएगा। मेरी माँ आजीवन दासी का जीवन जीने के लिए विवश हो जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम अग्निमुखम, तुमने अपने शत्रु का सर्वनाश कर दिया, अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी तुमने। बधाई हो सेनापति,
आप अपने उद्देश्य में सफल रहे। हे नारायण, मेरे गरुड़ की रक्षा करना। कहा था ना, तेरा अंतिम क्षण निकट है, स्मरण कर अपने भगवान को। करुड़, मेरा मन क्यों घबरा रहा है? कहीं ये किसी दुर्घटना की चेतावनी तो नहीं है? प्रभु, मेरी आशंका का समाधान कीजिए, मुझे कुछ संकेत दीजिए। हे प्रभु, ये क्या संकेत है? असुरी शक्ति की जय हो। आसुरी शक्ति की जय हो। आसुरी शक्ति की जय हो। असुर सेनापति वज्रांग की जय। असुर सेनापति वज्रांग की जय। असुर सेनापति वज्रांग की जय। महारानी, अच्छा किया तू आ गई। ये दोनों तो किसी काम की नहीं है। चल, मेरे केश सवारने में मेरी सहायता कर। महारानी, मुझे लगता है गरुड़ के साथ कुछ अनहोनी हुई है। क्या हो गया? उसके प्राण पखेरु उड़ गए क्या? दीदी, महारानी, मेरे हृदय में अजीब सी आशंका हो रही है, मन घबरा रहा है। कम से कम ऐसे में तो गरुड़ के बारे में कुछ अनुचित मत कहिए। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा पुत्र अवश्य किसी भीषण संकट में फंस गया है। तुझे आभास हो रहा है? कैसे? अब आइए मेरे साथ। मैंने भूमि पर अपनी उंगली से उसका चित्र बनाया था। मिट गया। वायु चलेगी तो मिट्टी तो उड़ेगी ही ना। भूमि पर बना चित्र मिटना स्वाभाविक है। हे
गरुड़। कहा था ना मैंने, मां विंता का पुत्र हूं मैं, धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे भी सकता हूं और प्राण ले भी सकता हूं। जब तक मैं अपना वचन पूरा नहीं कर देता, अपनी मां को दासता से मुक्त नहीं करा देता, तब तक मृत्युराज यम भी मेरे प्राण हरण नहीं करेंगे। ये पक्षी इतना शक्तिशाली निकलेगा, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अवश्य ही पंच तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त है इसे, तभी तो अग्नि भी इसे नहीं जला पाई। लगता है समय व्यर्थ करना मूर्खता है, अब कुछ और करना होगा।
अग्निमुखम गरुड को ऊंचे आकाश में ले गया है। यही सही समय है असुरों, जाओ लक्ष्य को प्राप्त करो, उस सीमा को पार करो, जाओ। अग्निमुखम की अग्नि भूमि पर फैलने लगी है सेनापति, वृक्ष जल रहे हैं। तो तुम भी जल जाओ, अपने तन को समाधि बना लो। असुर शक्ति के इस यज्ञ में यदि स्वयं की आहुति बनानी पड़े तो अवश्य दो, परंतु स्मरण रहे असुरों, भस्म होने से पहले तुम्हें उस सीमा रेखा को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब जाओ, जाओ। यदि मैं नीचे जाकर असुरों का सामना करता हूं तो अग्निमुखम आकाश से उड़कर अदिति माँ की तपस्या भंग कर देगा, और यदि मैं अग्निमुखम को रोकने का प्रयत्न करता हूं तो ये सैनिक रेखा पार करके अदिति माँ तक पहुंच जाएंगे। तो मैं क्या करूं? आगे बढ़ो असुरों, पार करो उस रेखा को। मान लो अग्निमुख, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। रहे हो तो मुझे तो क्या, मेरी छाया को भी नहीं छू सकते अग्निमुख। मैं वो अग्नि हूं जिसे जल भी बुझा नहीं सकता। अपनी पराजय स्वीकार कर ले, मैं तुझे प्राण दान दे दूंगा।